पक्का दोनों साथ में होंगे यार। हमने पक्का पता था कि तुम दोनों साथ में ही होगे और तुम दोनों साथ में निकले। मौसम तो बहुत सुहाना लग रहा है जादव जी। अरे मौसम की छोड़िए, राधे भैया कहाँ हैं? भैया तो आ गए। अरे अरे राधे 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 यादव जी। अरे अरे कहाँ मर गए थे, इतनी देर लगा दिए। अरे फटफटी लेके निकले, गड़िया धोखा दे रही ना, सड़कों की हालत तो आप जानते ही हैं। अरे बस ये बिन बादल बरसात मान ही नहीं रही ना। हम बोल रहे थे ना कि गड़िया तेज चलाइए, लीजिए लेट होने गया। अरे गाड़ी तेज चला रहे थे, लेट नहीं लेट हो जाते। कहाँ अंदर बैठे हैं, चलिए ना बाहर, मौसम बहुत सुहाना है। चलिए चलते हैं, चलिए चलते हैं भाई। अरे क्या आजकल क्या पढ़ाई लिखाई चलेगा, जान दिया। कॉलेज में अगर पढ़ाई करेंगे आप तो स्कूल और कॉलेज में अंतर करेगा भैया, बताइए। अरे यादव जी एक बार बताइए, आज तक आपने कितने एग्जाम पास किए हैं अभी तक कॉलेज में? बताइए कहाँ किए, पास नहीं किए, फिर भी आप देखिए बिना पढ़े आप यहाँ तक आ गए, तो फिर क्या जरूरी है पढ़ना यार? अरे देख रहे भैया ये सब क्या हो रहा है? अरे देख ही तो रहे हैं, दीदार को तरसे अखिया। सीटी किसने मारी? अरे हमने मारी, क्या कर लोगे तुम जैसे लोग, आप कर ही क्या सकते हैं? बताए का क्या कर सकते हैं, बताना पड़ेगा अब ये भी। हाँ बता क्या करोगे तुम? अरे छोड़ो यार, अब ऐसा दिन आ गया कि इनसे लड़ना पड़ेगा। आजा बताता हूँ। अरे छोड़ो यार, तुम लोगों ने मुझे रोका क्यों यार? तो पागल, उन लोगों की तरह हम भी बिहेव करेंगे तो फिर हमारे में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? एक सौ बताओ कब तक रुकेंगे हम लोग? उसको करना पड़ेगा, गलती तो उनकी है ना, मतलब ये थोड़ी होता है। गलती क्या, मतलब कोई कहीं भी जा रहा है किसी से क्या मतलब है? इंडिपेंडेंट कंट्री है, अपने से मतलब है। यदि इस तरह छोड़ दोगे तो फिर बार बार वो हरकतें करेंगे। सही कह रही है, अगर ये तो अगर हम हरकत करेंगे, हम अपोज करेंगे तो वो डबल हमारे ऊपर अटैक करेंगे। आज के टाइम में हम चलता रहेगा कौन है ये बताओ पहले? ना हम पुलिस के पास जा सकते हैं, ना हम टीचर के पास जा सकते हैं, ना हम किसी फ्रेंड के पास जा सकते हैं। यदि ये सोचोगे ना तो ये खत्म नहीं होगा, ये लगातार चलते रहेगा। इस देश में सबको इस सबको समान अधिकार है, जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे ऊपर करते हैं कुछ, हम शांत रहे। हमें भी आवाज उठानी चाहिए, बिल्कुल उठानी चाहिए। कब तक चुप रहेंगे? हाँ तो बिल्कुल, लेकिन ये इन्होंने गलत किया, हम लड़ाई नहीं करते, वो इन्होंने सही है कि हम जो उस टाइम लड़ रहे थे वो गलत था। कॉलेज में कुछ एक्शन लेते हैं तो कॉलेज हमें भी बोलेगा कि आप लड़ाई करने आते हैं, पढ़ते नहीं, तो हम कॉलेज से सीधे बोलेंगे हम लड़ेंगे नहीं ना उनसे, हम सीधे कॉलेज के पास जाकर के बोलेंगे। तो कब तक किसके पास जाएंगे हम? तो कठपुतलियाँ बन के रह गए यार, हम 21st century में रह रहे हैं, पर लड़कियों अगर लड़कियाँ आगे आके बोलती हैं तो 10 लोग हैं उन्हें पीछे खींचने के लिए। दूर कहाँ क्यों जाओ, अपने घर वाले लड़कों, घर वालों को अपनी इज्जत प्यारी है, पुलिस के पास जाओ, पुलिस को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इज्जत प्यारी है तो फिर पढ़ने क्यों भेजते हैं फिर घर से? यही चीज़ तो बदलनी ना, क्योंकि वो तो थोड़ी सी मतलब हम जनरेशन चेंज हो रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो मतलब जरूरी है ना कि हम उनको समझाएं यार। आज के दौर में लड़कियां चांद तक पहुंच गई हैं, हम जब तक शुरुआत नहीं करेंगे हम समझाएं ना सबको, क्यों नहीं समझाएंगे? अगर हम शुरुआत करेंगे हमारे पीछे चार आएंगे, ऐसा थोड़ी है यार। शुरुआत हमें करनी पड़ेगी, तुमने ये कोर्स तो सुने होंगे नेल्सन मंडेला सर के, वी कैन चेंज द वर्ल्ड एंड मेक इट अ बेटर प्लेस, इट इज इन आवर हैंड टू मेक अ डिफरेंस। तो डिफरेंस बनाने के लिए हमें खुद से आवाज उठानी पड़ेगी, एक्शन खुद लेना होगा। जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे कोई हमारा साथ नहीं देगा। हाथी तो पकड़ा था बस, अब बताता हूँ हाथी क्या चीज है। यार हमें कभी राधी बात उनको बता नहीं। क्यों यार, कभी पहले से ही बहुत परेशान है और मैं उन लोगों को और परेशान नहीं करना चाहती। मैं नहीं चाहती वो लोग और झगड़ों में पड़े। चल ठीक है फिर, लेकिन अगर वो लोग दोबारा ऐसा करते हैं तो? मुझे नहीं लगता अब दोबारा वो लोग ऐसी हरकतें करने वाले। याद आया कुछ? योगी ये बता, 10 मार्च बल्लू टाइम 12:30 बजे याद आया कुछ? सर इन्हीं हाथों से मारा था ना, ये हाथ मुझे दे दे, ऐसा तो नहीं बोल सकता मैं। तू है ही इसी काबिल। तारीफ है या गुस्सा है?
चिल्ला, इन हाथों से मारा था ना उस दिन मुझे, राज मार के दिखा। छोड़ दो भगवान के लिए, छोड़ दो मुझे। कौन है ये भगवान? मैंने तो नहीं देखा आज तक। अरे ये मैडम कह रही कि ना भगवान आएंगे बचाने के लिए भी हमारे पास। चिल्ला पूरे अपने भगवान को। कबीर गौतम, कबीर बचाओ। कबीर आ गए हैं बचाने के लिए, देख दो। अरे कृष्ण हो गए क्या? सुना बने पड़े कबीर जी हमारे लिए बचाने आएंगे यार। जिस तरह आज मेरे साथ ईद टीजिंग का केस हुआ, उस तरह मैं नहीं चाहती किसी और दुनिया में किसी भी लड़की के साथ हो। इसलिए लड़कियों को इतना सतर्क रहना चाहिए और एट द स्पॉट आपको उसका रिवर्स एक्शन करना चाहिए। और नहीं जरूरत है तो पुलिस के पास जाओ, पुलिस आपकी मदद करेगी। ईद टीजिंग एक बहुत बड़ी चीज है जिससे मतलब इससे हम सभी को बहुत परेशानियाँ होती है। इसमें हमें बढ़ावा नहीं देना चाहिए, हमें रोक लगानी चाहिए, हमें बियर नहीं बनना चाहिए, हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए। और मेरा मैसेज है सभी बॉयज के लिए और लोगों के लिए, जैसे कभी भी कहीं ईव टीजिंग हो रही है तो आप व्यूअर ना बने, कुछ तो एक्शन करें, आप ही एक चेंज लाएं। क्या पता कल को वो लड़की आपकी बहन भी हो सकती है। और इस चीज से गुजरने के बाद लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि वो उनको प्रताड़ित की तरह ना देखें, बल्कि उनको मॉरल सपोर्ट दें, क्योंकि उन्हें उस चीज की बहुत जरूरत होती है। रोड पे कैंडल लेके गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन करने की कोई जरूरत नहीं। हम जिंदगी भर ऐसा क्यों करते हैं कि हम सिर्फ कैंडल लेके रोड पे हैं? हमें ये सोचना चाहिए जिसके साथ हो रहे हैं उसकी हेल्प करें। बेटियों के ऊपर एक शेर याद आ रहा है, कहते हैं कि माँ का गौरव पिता की जान होती हैं बेटियाँ, माँ का गौरव पिता की जान होती हैं बेटियाँ, घर के आंगन की शान होती हैं बेटियाँ। और ये तो स्वयं खुदा भी कहता है, जब मैं खुश होता हूँ तब पैदा होती हैं बेटियाँ। वुमेन से तो हम अक्सर बातें करते हैं कि वुमेन को ये राइट मिलना चाहिए, उनको ये अधिकार मिलना चाहिए, पर रियल में क्या उन्हें रिस्पेक्ट सही से दे सकते हैं? हम अगर उन्हें रिस्पेक्ट दे अच्छे से तो उनके लिए सबसे अधिकार बड़ा अधिकार नहीं होगा। और हम चाहते हैं कि हम सभी को, हम ये नहीं चाहते कि कोई हमारे पर नजर रखे, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर से नजर हटे। यार दुनिया में और भी चीजें हैं देखने लायक, सिर्फ एक लड़कियां नहीं बची हैं। लोगों को छेड़ा जाता है तो लोग बोलते हैं लड़कियों को मत छेड़ो, लड़कों को क्यों नहीं मना करते कि तुम लड़कियों को मत छेड़ो? दूसरों को चेंज करने से अच्छा है कि हम खुद को चेंज करें। और ये युवा पीढ़ी अब मैं समझता हूँ पुरानी घटनाओं को देखते हुए जागृत हुए हैं, और इस बात की खुशी है कि बहुत युवा अब आगे आए हैं। बाकी जनता भी इस बात के लिए काफ़ी जागृत हो रही है और हमें इस बात में जागृत होने के लिए बहुत ज़रूरत है। ईव टीजिंग को बंद करना चाहिए एक्चुअली। उसमें क्या वैल्यूज़, अगर बच्चों में वैल्यूज़ की कमी होगी, बच्चों में वैल्यूज़ अगर इम्प्रूव होंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम हट जाएगी। और जहाँ तक वैल्यूज़ का सवाल है, वो कॉलेज में अच्छे एजुकेशन एनवायरनमेंट में रहकर स्टूडेंट्स में क्वालिटीज़ इंप्रूव होती हैं और उससे ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिक्रीज़ होंगी। जब जितना बच्चे जो है अपने में वैल्यूज़ इनकलकेट करेंगे, उससे जो है उनको फायदा होगा। मिशाप जैसा बन गया है ईव टीजिंग का। लोग घर से बाहर निकलने के लिए कतराते हैं, अवॉइड करते हैं। बहू बेटियाँ बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, वापस घर से इतना पहुँच पाएंगे या नहीं। तो ये एक बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है कि हम जैसे पढ़े लिखे लोग समाज के अंदर जागरूकता लेके आएँ और इस ऐसी घटनाओं को होने से रोकें। इतनी ज़्यादा हो सके हम जब तक प्रयास करें और घटनाओं को होने से रोकें। इट्स जस्ट लाइक ईव टीजिंग शुड बी स्टॉप बिकॉज गर्ल्स आर नॉट सेफ, बिकॉज गर्ल्स नीड अ सिक्योर एनवायरनमेंट टू लिव प्रॉपरली। दे शुड बी फ्री टू गो एनीवेयर। इफ वी सी दी सिचुएशन हियर नाउ डेज, गवर्नमेंट इज इवन टेकिंग मेनी स्टेप्स दैट आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द गर्ल्स, बिकॉज दे कैन मूव सेफली, दे कैन डू देयर जॉब सेफली। देर इज अ बिट मोर क्रिटिकल सिचुएशन इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज इफ वी गो देयर एंड इफ वी सी देयर that the people face more problem. They can't even go out at late night, late hours to do their work. And if we see the conditions of some of the states, we see that the people after 7 o'clock even the people don't move out. So I think that ईव टीजिंग should be stopped so that the girls are secure. ईव टीजिंग एक क्राइम होता है, एक बहुत बड़ा मेंटल क्राइम होता है। जिसका ईव टीजिंग होता है वो बच्चा, वो चाहे छोटी लड़की हो चाहे कोई बड़ा, वो तुरंत रिएक्ट नहीं कर पाता है। लेकिन पब्लिक लिंचिंग होनी चाहिए टीजर्स की। लिंचिंग समझते ना, कंबल कुटाई तुरंत वहीं की वहीं। हर लड़की को इतना सोचना चाहिए कि ईव टीजिंग होता है, तुरंत रिएक्ट करें, इग्नोर ना करें। अभी अभी जो आपने देखा वो बस
कैरेक्टर में आने के लिए हमारा वैसा रोल था, हम रियल लाइफ में ऐसे नहीं है। और हम सभी एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी इंडिया को, गर्ल्स आर गर्ल्स, बॉयज आर बॉयज, डोंट टच देम, दे आर नॉट योर बॉयज, जागो इंडिया जागो। आइए, हमारे गुंडे भाई गुंडे नहीं है, रियल में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही दूसरी मूवी बनेगी तो उसमें इनको अच्छे रोल मिलना, क्योंकि बेचारे गुस्सा हो रहे हैं।